रखी ने डिंपल को फोन लगाने के लिए फोन उठाया ही था कि इतने में उसके फोन पर किसी अनजान नंबर से फोन आ रहा था। लकी ने उस नंबर को देखा लेकिन उसे याद नहीं आया कि ये किसका नंबर था। वो बिस्तर से उठा और उसने फोन उठाकर बोला, हेलो 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 लकी बाबा, लकी मैं काशीनाथ बोल रहा हूं, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? सामने से काशीनाथ जी ने पूछा। लकी ने जैसे ही उनका नाम सुना सबसे पहले उसने कमरे का दरवाजा और खिड़कियां बंद कर दी। वो नहीं चाहता था कि उसकी और काशीनाथ जी की बातें कोई भी सुने। नहीं नहीं काशीनाथ जी, कहिए क्या बात है और ये नंबर किसका है? लकी ने फिर से अपने बिस्तर पर आकर पूछा। अरे वो मेरे ऑफिस का मेरे ऑफिस का मेरे ऑफिस लोग रात को भी उसी पर फोन करते थे, इसलिए मैंने एक नया कार खरीदा लिया था, शाम होते उसे बंद कर देता हूँ और इसे चालू कर देता हूं। काशीनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा। लकी ने उनकी बात पर सिर हिलाया और पूछा, जी काशीनाथ जी बताइए, कहिए क्या बात है? लकी बाबा, रुस्तम डांगी का फोन आया था, मैंने जब उसे आज सुबह फोन किया था तो उसे बताया कि आप दिल्ली।